आज चौथा दिन है हमारा भागने का। हम चलते चलते यहाँ मतलब भागते भागते ये हमारा होटल बोरा सामने ये रहा, तो हम आ गए। यहाँ पे कैसीनो की एंट्रेंस है और यहाँ पे एक मॉल है बे स्ट्रीट। सो मी एंड अबीर आर एक्सप्लोरिंग। तो हमारा रनर बहुत थक गया है ना रन कर करके, तो हमने कहा फ्रेश ऑरेंज जूस ले लेते हैं। इसके लिए तो एक अच्छी शॉप मिली है, तो ये बहुत अच्छी शॉप है यहाँ पे। They will squeeze the fresh orange juice. We're not running till I finish it, guys. तो हम तैयार हो गए हैं आज भाग भाग के। डार्लिंग टैक्सी नहीं, बस पे जाना है। चलो बस चली गई है। नहीं, वेट कर रही है तुम्हारी। आ जाओ जल्दी, तुम्हारे लिए स्पेशली रुकवाई है मैंने। आज तुम जो वाइट ब्यूटी बन के आए हो इतनी सारी जैकेट हाथ में उठा के, प्लीज कैन आई गेट माई जैकेट प्लीज। नो दैट्स नॉट द बस, the फ्रंट बस इज बस। चलिए आराम से। तो हम फाइनली बस में चढ़ रहे हैं। चलो आप हमारी डॉल से तो मिल लो। डॉल अरे अभी डॉल को तो दिखाएं दो। देख रहे हो आप कैसे लग रहे हो सबके साथ। ये आप लेकर प्रेम ले पागल है। अरे नहीं टूट जाएगी। मैं ब्लैक करूंगी। दिन शुरू नहीं हुआ इनके, रात के प्लान पहले बनने शुरू हो गए हैं। हैं क्योंकि यार कपड़े थोड़े ज्यादा निकल आए हैं। हम पार्टी पार्टी वाला वेयर पहनेंगे। ओए पार्टी मेरे पास है दो तीन पार्टी एनिमल। पार्टी को पार्टी हम कर लेंगे यार। अरे सुंदर लग रहे हो पार्टी एनिमल। आज क्या बात है, मेरी फ्रेंड ने मुझे ड्रेस गिफ्ट करी है। गिफ्ट के लिए पैसे दूंगा पूरे के पूरे। गिफ्ट करी है हम नहीं दे रहे। हम नहीं दे रहे। बिल्कुल नितेश की तरह नहीं बोलता। नितेश ने गिफ्ट करी है मैंने। हेलो जी, कैसे हैं सब लोग। तो ऑफिशियली मैं अपने फोन से बना रही हूँ व्लॉग। अभी तक दे रहे थे सूरी साहब मेरा साथ, पीछे बैठे हमारे दोस्त। उन्होंने अपने फोन से शुरू कर दिया। देखो अब जो व्लॉगर होता है ना बंदा, वो जब तक अपने फोन से नहीं बनाता ना उसे चैन नहीं आता। चलो ठीक है, तो हम लोग तैयार हो चुके हैं। सबने आज वाइट वाइट पहना है, धूप बहुत तेज है, तो चश्मा लगा लेते हैं थोड़ा। ठीक है जी। और ये देखिए आप मेरा बेटा, इसने भी आज वाइट पहना है। और ये थीम Very nice. तो बस अब सब लोग तैयार हो चुके हैं। आज सबने व्हाइट कपड़े पहने हैं। उर्वशी ने सबकी थीम सजेस्ट करी थी। बंदी ने आते साथ बोल दिया था कि जिस दिन हम बोट राइड पर जाएंगे सब लोग व्हाइट कपड़े पहनेंगे। और हम लाए नहीं थे, हमें सबको खरीदने पड़ गए। इतना खर्चा करा दिया। नहीं नहीं हम सब लाए थे, मेरे पास नहीं थी ड्रेस, तो उर्वशी ने मुझे दे दी। ओके बेटा, इसको एक स्क्रैच कार्ड मिला है। 100 euros, 50 euros. पता मैं ना एक एक सामान साथ में कैरी करके चल रही हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है मैंने ऐसा क्यों करा अपने साथ। एनीवे मैंने जैकेट्स वैकेट्स तो ऐसे रखी हैं, सारी ठंड यहीं पड़ने वाली है। अभी हम लोग पहुँच गए हैं अपनी बोट के पास, तो वेट कर रहे हैं बोट करने का। हम लोग चार्जर भूल आए थे, तो सूरी साहब ने चार्जर ढूंढ ही लिया, तो हमें एप्पल का चार्जर मिल गया है। होपफुली मैं बोट के अंदर अपना फ़ोन चार्ज कर लूँगी। तो हमें हमारी बोट चेंज हो गई है, जो कि अच्छी बात है, क्योंकि वो हाँ वो भर गई। तो आगे जाएगा अबीर की वजह से, अबीर परेशान हो रहे हैं। अभी एकदम से परेशान हो जाता, डैडी नहीं आते ना। तो ये देखो आप, अबीर और डैडी आज एकदम वाइट वाइट में, आउटफिट ऑफ द डे और थीम ऑफ द डे सब कुछ वाइट है। हमारी दीदी देखो आप, हम सब आज ब्लू ब्लू पानी में वाइट वाइट हो गए। तो बस हम लोग बोट करने लगे हैं। बोट को तो स्नैक्स स्टार्ट हो चुके हैं बोट चलने से पहले। हमारा सबसे प्यारा बच्चा लग रहा है। क्या होने वाला है अभी? तो गाइस अपना देखो बुक करा है सौरभ ने, लाल बोट वाला जो सीन है, लेकिन एक्सप्लेन मैं करूं। देखो मेरे पति ने बिल्कुल भी बुक नहीं करा है, उस पर बार बार इल्जाम लगाया जा रहा है
मेरे हस्बैंड को पता है क्या बुक करना था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे विकिपीडिया टाइम दे रहा था, तुमने एक दिन पहले बुक करोगे व्हाइट वाला नहीं मिलेगा, मैंने बोला था और तुम्हें नहीं मिला, सो आई वाज राइट, इसलिए तूने लाल वाला बुक कर दिया। लाल वाला करना पड़ा आज, नहीं सौरभ ने एक्चुअली ये बुक करके दिया क्योंकि कुछ अवेलेबल ही नहीं था, लेकिन अच्छी बोट है और नीचे एयर कंडीशन है बढ़िया है अपना, तू खुश है, पूरे मजे ले रही है तेरे साथ, फुल ऑन है, अच्छी अच्छी है। तो यहाँ पे टोनी अंकल है, वो मेरे फ्रेंड बन चुके हैं, टोनी कक्कर, टोनी अंकल, इन्होंने मुझे बताया कि हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, अभी हम जाएंगे सीधा गोजो, गोजो में अपनी बस खड़ी होगी, वहाँ पे प्राइवेट बस है हम सबके लिए, अच्छे लोगों के लिए, मिनी बस नॉर्मल बस होगी, हमें गोजो में 2 घंटे मिलेंगे, हम घूमेंगे, फिर हमें 2 बजे तक आके वापस आके हमें एक्सकर्शन करना है अगर हमें केव्स का, तो हमने उसकी टिकट ले ली है, हम सब जाएंगे छोटी बोट में केव्स के अंदर 25 मिनट के वहाँ पे घूमेंगे, फिर वापस आएंगे, फिर हम 4 बजे तक जाएंगे घूमेंगे ब्लू लगून में, तो ये 3 जगह ब्लू लगून में हम लोग स्विमिंग कर रहे हैं, ब्लू लगून, तुम स्विमिंग कर रही हो ब्लू लगून में, हमारा बच्चा गाइस उनका टोनी नाम नहीं था, मैंने अपना बना लिया भाई, ये वाली चीज सही कर दी उरुषी ने, हमें क्लियर कर दिया, वरना कल को आप लोग आते आप कहते हमें टोनी अंकल की लाल कोट में जाना है, वो नहीं हो टोनी, हम प्यार से उनको टोनी बुला बेटा, इमेजिनरी फ्रेंड, अजीब लग रहा है, मैं उल्टा आ रहा हूं, तो हम लोग पहुँच गए हैं, नहीं अभी हम पहुँचे नहीं है, अब एक स्टॉप है, ओके अभी रिजोरी गार्डन है, मैं बोट चेंज कर रहा हूँ अपनी, गाइस हम इस जगह पर नहीं आए थे कल, हम लोग परसों इस जगह पर नहीं आए थे, जो भी इसके लिए हम बोट करने वाले थे ना वो ऐसी होती है, सबने देखा है कि सारे वो है यंगस्टर है, ये पार्टी है, ये पार्टी बोट, ये वैसे वाली बोट है जो तूने और मैंने करी थी, गाइस पता नहीं हमने आपको बताया कि मैं और उर्वशी गर्ल्स ट्रिप पे गए थे ग्रैंड कैनारी, बहुत मजा आया था सीरियसली, हमने बड़ी अच्छी, हम दोबारा करेंगे, फाइनली हम अपने फर्स्ट स्टॉप पे पहुंच चुके हैं, तो हम लोग कहाँ पहुंच गए भाई, गोजो पहुंचे, गोजो रिजोरी गार्डन में आ गए, तो यहाँ से हम लोग लेंगे बस और बस हमें लेके जाएगी केव्स में, तो मतलब कि बस हमें लेके जाएगी एक बोट पे, उस बोट पे हम बैठेंगे और फिर हम जाएंगे केव्स में। अगर आप लोगों को हमारे पोर्चुगल के ब्लॉग्स याद होंगे, मैंने उसका लिंक छोड़ा है, अगर हम कभी पोर्चुगल साथ में गए ना, हम तुम्हें वहां लेके चलेंगे कैमल राइड पे, वहां पे ऐसे ही होता है, गाइस आप लोगों को याद है मेरा पोर्चुगल वाला ब्लॉग कैमल राइड वाला, उसका लिंक मैंने छोड़ा है डिस्क्रिप्शन में, उसमें भी कुछ ऐसे ही था, हम ऐसे ही एक बस के थ्रू गए थे एक जगह पर और फिर हमने कैमल राइड करी थी, और आज फिर हम बस में बैठ के जा रहे हैं केव्स देखने, लेकिन बस हमें छोड़ेगी बोट पे, फिर हम जाएंगे केव्स देखने, और यहाँ पर देखो आप हमारा बच्चा कितनी प्यारी लग रही है भाई, मैंने इन सबको बिठा दिया है रेड बस, रेड उससे निकाल के प्राइवेट हायर में बिठा दिया है, वेल डन गाइस, वेल डन, I'm gonna leave you there. I'm gonna explain everything, what there is to see, where you can go, what to do, and I will pick you up from there at 1:30. Okay. हाँ जी बेबी, अब कहाँ जा रहे हैं हम? अब इसके बाद हम गोजो जा रहे हैं, अभी हम वो बोट्स नहीं ले रहे थे, केव्स नहीं जा रहे थे, अभी बोट यहीं पे आ रही है, रोड पे आ रही है, वो वापसी पे है, तो यहाँ पे हम 1.5 घंटा है हमारे पास घूमने फिरने के लिए, ओके गोजो के अंदर, तो हमें गोजो एक्सप्लोर करेंगे, देन वी विल कम बैक, ओके विल मीट हिम हियर, ओके टेक अस बैक टू द बोट, ओके फिर बोट हमें लेके जाएगी उस केव्स के वहां, ठीक चले भाई, स्क्वायर तक चले वहाँ पे, चलना आज अभी लहंगो वाली दुकान पे चलते हैं, लहंगा वहंगा देख ले, 555 है छाबड़ा, 555 ले, देखो दीदी ने प्रमोशन भी कर दी, सारे अपने चांदनी चौक में, वहाँ पे इतने सारे एजेंट आते हैं, मैं अपनी शादी के लहंगे के लिए जो गई थी ना, हर कोई पूछता है ब्राइडल लहंगा, ब्राइडल लहंगा, ब्राइडल लहंगा, आई 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 आई।
तो यहाँ पे एक दुकान आ रही है, हाँ यहाँ पे कैलजोन भी मिलता है भाई, अच्छा खासा। नहीं यार सीरियसली ये बहुत ज़्यादा एशियन कंट्री की तरह लगता है, ये जगह वाकई में बहुत अच्छी है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर ना आपको ना बहुत टाइम चाहिए हर चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए, है ना। यहाँ पर इतना कुछ है ना, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप क्या देखो और क्या ना देखो। जैसे लैंज़ारोटे और टेनरीफे ऐसे थे कि हम तो सिर्फ बड़े आपको देखते हैं, बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड थे वो सब, मुझे ऐसा। भाई मार्केट बहुत अच्छी है, वेरी नाइस। उर्वशी को पता है ऐसी मार्केट में आना था, जब से आई है हमारी बेटी, हमारी लड़की बेटी, तब से गए। ओ यार उर्वशी ये प्यारा है यार, उर्वशी वो देखो ना वो है जगह बीच में देखो। अच्छा ओके ओके, लेट्स गो टू दैट स्क्वायर। भाई बहुत प्यारा है, अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है यार, दिस नाइस। ये गिफ्ट देने के लिए अच्छा है किसी को, हम ऑल्टर से आपके लिए ये लाए हैं। और ये दिस इज नाइस, इसकी बस एक ही प्रॉब्लम है इन वाली मैग्नेट्स की, एक बार गिर जाती हैं टूट जाती हैं। हाँ जी बेटा, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं मैग्नेट्स, चार मैग्नेट्स हैं 5 यूरो की। सौरभ कह रहा है चार ले लो, दो यहाँ खड़े होकर भेज दो। चलो आ जाओ उर्वशी, पता मुझे ना ये टाइल्स चाहिए, तू कभी लेगा नहीं। नहीं मुझे एक कितने की है, घटिया लगती है, मैं उससे लगवा लेती ना, कोई गोल्डन वाली ढूंढना हमारे उस जगह पे लगाने के लिए। तो बस हम बैठ गए थे एक जगह पे, सिटाडेल जाना था लेकिन वहाँ पे अभी पहुँच नहीं पाए हम, तो जाएंगे जाएंगे हम जाएंगे चिया, हम जाएंगे हाँ चिया कैरी जाएंगे। तो बस हम अभी लंच कर रहे हैं, हम खा रहे हैं फलाफल, कुसकुस, बुशेटा। ये बंदा चिकन ही बर्गर ही खाई जा रहा है पिछले 3 दिन से, नो बेटा विल नॉट। अच्छा तो हम खाएंगे, हाँ बोलो। मुझे कुछ ऐसा ही खाना था, हमें जाना है 25 मिनट से हमारे पास, देन वी हैव टू गो। अभी चेयर्स कर लो। तो बस हमने खाना वाना खा लिया, वापस आ गए हम अपनी बस के बाहर। इतना खाना खाया मैंने, पता है इन लोगों ने मुझे इतना भगाया है ना इन सब ने और यहाँ पे बस ड्राइवर ही नहीं है। अब हम कहाँ जा रहे हैं? कमीनो। तुम्हें कमीनो बता रहा था सौरभ, क्या था हमने, मैं बोला कमीनो जा रहा ना, हम कमीने नहीं है क्या, लेकिन हमारे साथ वाले का पता नहीं, आप दोनों को बोल रहा था वैसे। मुझे पता है मेरा पति मुझे तो कभी नहीं बोल सकता, तेरा भरोसा डाल दूंगा, मेरे ब्लॉग में देख लेना, बता देना प्रीति झूठेगी भानु झूठा। चलो ठीक है, पता मुझे एक मिनट के लगा हम इसमें जा रहे हैं, नहीं चलो भाई वापस अपनी लाल गड्डी में। चलो भाई ये कैमरा, लेकिन वो हमारे ब्लू लगून विल गो विद दिस ओनली एक्सकर्शन फर्स्ट ब्लू लगून, पहले हम जा रहे एक्सकर्शन पे जीप पे। यस 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 यस, व्हेन यू फिनिश विद दिस बोट यू कैन कम ऑन दैट एक्सकर्शन पे। समझ में नहीं आ रहा, तो पहले हम एक्सकर्शन के लिए जा रहे हैं, उसके बाद हम जाएंगे ब्लू लगून ना। अरे व्लॉग से व्लॉग टकरा रहा है गाइस। तो हम लोग आ चुके हैं केव्स के पास और यहाँ पर सबकी एक्साइटमेंट दुगनी हो चुकी है क्योंकि सबको केव्स नजर आ रही हैं। तो वो देखो आप, लोग अंदर स्विमिंग, सीरियसली, और अंदर सब लोग स्विमिंग कर रहे हैं। बट हमारी बोट यहाँ पे रुकेगी नहीं ना, हम तो सिर्फ केव्स देखेंगे। That looks very, very nice, very nice. पता नहीं आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ना अंदर लोग स्विमिंग कर रहे हैं। भाई पानी इतना क्लियर है ना गाइस, यही तो नहीं है ब्लू लगून, यही तो है।
तो हम लोग ब्लू लगून पहुंच चुके हैं. ओह माय गॉड, बिग प्लेस ना ब्लू लगून, इट्स नॉट लाइक इट्स जस्ट अ स्मॉल प्लेस. द मेन एरिया वी अब जाएंगे यार. पानी इतना क्लियर है. अभी वाटर कितना क्लियर है ना बेटा. अबीर विल स्विम टुडे. तो आज हमारी अबीरी स्विमिंग करेगी. ये सो लुक एट दिस गाइस, यही है ब्लू लगून भाई. सच में मुझे लगता है मेरा कैमरा शायद जस्टिफाई ना कर पाए, लेकिन इसे कहते हैं ब्लू है पानी पानी. यू नो वो गाना है ना, वो गाना एकदम बैठता है इस चीज़ पे. और सामने देखो कितनी सारी यॉट्स हैं. आई थिंक ये प्राइवेट यॉट होगी किसी की, और वो भी प्राइवेट है. अच्छा ये क्रिस्टल लगून है. ओ माय गॉड, कितना क्रिस्टल क्लियर वाटर है यार. हाँ जी बेटा, हाँ जी चिया चिया आ गई वो जगह. चिया चिया अब जाना है स्विमिंग के लिए, उठ जाओ स्विमिंग के लिए जाना है. छलांग मार दे चिया. वो कह रही है पा पा पा. भाई सीरियसली यार, भाई ये लड़कियां तो प्रॉपर वाली स्विमर लग रही हैं सारी की सारी. यार स्विमिंग आनी चाहिए यार, आनी चाहिए स्विमिंग. बहुत तेज है और जगह बहुत प्यारी है. सीरियसली ब्यूटीफुल. ये बोर्ड के एकदम आगे बैठने के लिए अबीर भी चला गया है. वेरी ब्यूटीफुल. बोर्ड के एकदम आगे आके बैठ गए हैं. हां उर्वशी भानु को बोलो हम लोग उतरेंगे, वो भी आ जाए. ठीक है. तो हम लोग बोट के एकदम आगे बैठ गए थे, अब वापस टाइम आ गया वापस जाने का. और पानी देखो आप लोग यार, क्रिस्टल क्लियर पानी है भाई, जन्नत है जन्नत. सीरियसली यार आंखें नहीं भर रही हमारी, लेकिन हमें यहाँ पर उतरना अलाउड नहीं है भाई. देख अच्छी खासी दुकानें वगैरह हैं, तो लोग हाइकिंग करके आते होंगे यहाँ पे, है ना. लोग हाइकिंग करते होंगे, देन ओनली दे रीच. तो लोग क्या करते हैं, वो हाइकिंग करते हैं और फिर वो यहाँ पर पहुँचते हैं. लेकिन अगर आप टूर के साथ आओगे तो मुझे नहीं लगता वो टूर वाले यहाँ पे रोकेंगे. हमारे वाले तो नहीं रोक रहे. अच्छा हमारी बोट यहीं पर है. तो हम अपनी बोट से उतर गए. ये है ब्लू लगून, ब्यूटीफुल प्लेस यार. लेकिन यहाँ मिल गई हमारी छिपकलियाँ. यहाँ लोग कैसे बैठे हुए हैं भाई, इतनी सारी है. बहुत सारी छिपकलियाँ हैं यहाँ पे भी, बट लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा. ये देखो आप, पता है ऐसा लग रहा है कि कम से कम नहीं तो दो दिन के लिए आना चाहिए यहाँ पे. क्योंकि यार आपके साथ जब बच्चे होते हैं ना, तो बच्चों को भी देखना होता है, बड़ी सारी चीज़ें करनी होती हैं. बट चलो यार कोई बात नहीं, जैसा भी है जो भी है, बहुत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है गाइस. ओके आप टिक टैक डाल दो. हाँ जी चलो, तूने अबीर का वेट सूट ले लिया ना, ठीक है, और अपना भी ले लिया स्विमिंग कॉस्ट्यूम. तो तुम लोग क्या करने वाले हो? हम जेट स्की कर रहे हैं. जेट स्की, वाओ वाओ. बताना जब सौरभ अबीर आए. सौरभ अभी चेंज करवा रहे हो ना? हाँ मुझे साथ लेके जाना. तो हमारे लड़के तैयार हो चुके हैं. अबीर को देखो आप, पानी में जाने के लिए तैयार है हमारा लड़का. और यहाँ पे सौरभ जी तैयार हो चुके हैं. चलो भी चलो, हमें शूज नहीं लाए यार. कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आज ब्लू है पानी पानी, याद आएगी इन दोनों को नानी. चलता हूँ बुआ को भी याद रखना. अच्छा चलती हूँ,
पानी में मत करना। घमंड प्यार करना था ना यहाँ पे। अच्छा चलती हूँ पानी में मत करना, अगर आया है तो टॉयलेट में ही करना। एनीवे बहुत अच्छा बनाया। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर कोकोनट वाली ड्रिंक नॉन अल्कोहलिक होगी तो ले आना। तो हाय बड़े प्यारे हो आप। नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे कि इन लड़कों ने कैसे परफॉर्म करा। चला भाई, एक्साइटेड हो? तैरना आता नहीं, डूबे तो? बड़ी सारी बहनें हैं तेरी वहाँ पे। हाँ बड़ी सारी बहनें हैं तेरी वहाँ पे बैठी हैं, वो कूद जाएंगी तेरे पीछे पीछे। जेट्स की ये इन्होंने दोस्त बना ली है वहाँ पे। सीरियसली यू वांट हिम टू कम ओवर हियर एंड से हेलो टू यू? हम अपनी व्लॉग में लेंगे वो क्लिप। चलो भाई, तो हम आपको अगले ब्लॉग में दिखाते हैं कि इन दोनों की सर्फिंग कैसी रहेगी जेट स्की। तो ये लोग जेट स्की कर रहे हैं, ये लोग स्विमिंग कर रहे हैं। ओ माय गुडनेस, लुक एट दिस, दिस इज अमेजिंग यार। बाय, यू वांट टू डू दिस ना? ओके वी लास्ट देम, वी लास्ट देम। चलो मैं पूछती हूँ उनसे। चलो चलो भाई, चल पड़े हैं हम लोग। तो चलो जी, आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम लोग ऐसे ही आपको घुमाते रहेंगे, मजे दिलवाते रहेंगे और खुद भी मजे लेते रहेंगे। नहीं यार, बहुत अच्छा लगता है मुझे व्लॉगिंग करना, स्पेशली जब मैं बाहर आती हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे लिखा था, और इस चीज़ को आप दूसरे वे में मत लेना, किसी ने मुझे लिखा था शायद हम इन कंट्रीज़ में ना पहुँच सकें लेकिन आपके ब्लॉग्स के थ्रू हम ये कंट्रीज़ देख पाते हैं। तो मैं थोड़ी सी इमोशनल होगी वो पढ़ के। मैं थोड़ी सी इमोशनल इसलिए होगी क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि वैसे तो यार मैं कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं हूँ जो किसी के काम आ सकूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी बहुत कुछ करना है ज़िंदगी में, लेकिन मेरे इन ब्लॉग्स के थ्रू अगर थोड़ी सी भी किसी को खुशी मिलती है और किसी को अच्छा लगता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़िंदगी में ऐसे ही ट्रैवल करती रहूं, ट्रैवल ब्लॉग्स बनाऊं और आप लोगों को भी यू नो तरह तरह की जगह दिखाऊं और ख़ुद भी देखूं और अपने बेटे को दिखाऊं। ट्रैवल करने के पीछे सबसे बड़ा मोटिव ये है कि अबीर को दुनिया दिखानी है। बट थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच लव। बड़ा अच्छा लगता है यार जब आपके कॉमेंट्स आते हैं। एनी वे, इसी थॉट पर ये वाला ब्लॉग करते हैं बंद और मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। दिखाते हैं कि अबीर ने जेट स्की कैसी करी ब्लू लगून में। ठीक है जी, चलो बाय बाय, पीस कर दूं।